हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं आयशा रिव्यूज। तो दोस्तों जब मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं और आप जो रिक्वेस्ट करते हैं, और मेरी वो भी कोशिश होती है कि मैं आपकी रिक्वेस्ट जरूर पूरी करूँ। तो दोस्तों आज भी मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो पे रिएक्शन करने जा रही हूँ जिसका टाइटल है लाइफ चेंजिंग कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्णा एंड करना। तो चलिए चल के ये अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इसी पे बात करेंगे। So
समाज निरंतर की मेरी संभावनाओं को कुचलता रहा, मेरी शक्ति को सम्मान नहीं दिया, मेरे सपनों को स्वीकार नहीं किया, सदा ही सूट पर बैठकर अपमानित करता रहा है मुझे। अपने पिता की बात मान लो, क्योंकि उन्हें ज्ञान है कि सूत में सामर्थ्य नहीं होता। ईश्वर की दी हुई संभावना मनुष्य का अधिकार है वासुदेव, और ये समाज किसी को उसके अधिकार से किस प्रकार वंचित कर सकता। अवश्य ही ये घोर अपराध है आपके जातिवादी का भेद करना, और इन मिथ्या भेदों के आधार पर किसी मनुष्य को या समाज के किसी भाग को अधिकार से, अवसर से, संपत्ति से या सम्मान से वंचित रखना मानव का केंद्र है। तो फिर मेरा क्या दोष है वासुदेव? यदि मेरे मन में असंतोष जन्मा, यदि मैंने प्रतियोगिता की, यदि मैंने बलपूर्वक अपना अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न किया, एक समय था अंगराज जब पृथ्वीर के पुत्र कार्तवीर अर्जुन नाम के एक क्षत्रिय राजा ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। महर्षि के पुत्र ने क्या किया जानते हैं आप? महर्षि जमदग्नि की हत्या की गई, कहां फैला था अधर्म, उन्होंने अपनी पीड़ा का विस्मरण कर दिया, समग्र समाज की पीड़ा को अपना लिया और अधर्मी क्षत्रियों का नाश कर समग्र आर्यवर्ष को शुद्ध करने को जीवन मंत्र बना दिया। केवल प्रतिशोध लेकर बैठते तो आज भगवान परशुराम नहीं कहता। हारा थे आपको जो दुख और अपमान मिले वो वास्तविक थे, किंतु आप उन्हें अवसर बनाते तो समाज का उद्धार होता और आपका कल्याण होता। आप जैसे शक्तिमान मनुष्य का आधार यदि अन्य शोषित और पीड़ित लोगों को मिल जाता तो कितने जीवन सुख से भर जाते। आपके पास संभावना भी थी, सामर्थ्य भी था और उस पीड़ा का अनुभव भी था, किंतु आपने अपना जीवन उन्हें समर्पित नहीं किया। आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया दुर्योधन को, जिसके पक्ष में केवल अधर्म था और कुछ नहीं। अब देखिए अपनी स्थिति, आप दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं, आप पांचाली के वस्त्र हरण जैसे पाप के भागी बने, अपनी माता का सम्मान नहीं कर पाए, अपने ही भाइयों के दो दो पुत्रों की हत्या की आपने, और आज अपना धर्म गवाकर, अपनी विद्या गवाकर, अपना संतोष गवाकर, अपने ही अनुज के हाथों मरने के लिए सज्ज खड़े।
के माध्यम से सरकार के ऋणों को लाभ करवा पाते। वास्तव में उसे सारे अधर्मों और अपराधों से मुक्त करवा पाते। किंतु आपने सत्य जाना ही नहीं। आप पर किए गए उपकारों का वास्तव में कोई मूल्य ही नहीं था। मैंने जीवन भर पीड़ितों और वंचितों को दान दिया है वासुदेव। अपने संपत्ति में से अपने पास कुछ भी नहीं रखा। धनदान का वास्तविक लाभ दानी को होता है, दान प्राप्त करने वाले को नहीं। आपने यदि अपने सामर्थ्य का उपयोग अपने जैसे पीड़ितों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किया होता तो सबको लाभ होता है। आप कहते हैं कि समाज ने आपकी संभावनाओं का नाश कर दिया, किंतु ईश्वर द्वारा दी गई उन संभावनाओं का मूल्य तो आपने जाना ही नहीं। क्षेत्र में आज जो विध्वंस हो रहा है उसका कारण ना दुर्योधन है और ना ही मामा श्री शकुनी, ये बाप तीन महारथियों का है। महामहिम भीष्म, गुरु द्रोण और आप का है। आप तीनों ने यदि अपने माने हुए धन का त्याग करके समाज के कल्याण का समय है रात है, अपने दुखों को भूल जाइए, अपने अधर्म का त्याग कीजिए और अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लीजिए। किसी ने समाज का और आपका कल्याण मेरा है। Oh!
गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छी बात जो कृष्णा जी उनको समझा रहे हैं, करण जी को, और उनको ये रियलाइज करवा रहे हैं कि आपने ये पूरी जिंदगी किस कामों में गुजार दी, मतलब एक बदले की आग में। और ये जो बदले की आग है, ये कहीं का नहीं छोड़ती, ना तो आखिरत इंसान की अच्छी रहती है, ना दुनिया अच्छी रहती है। तो उस पे करण जी को भी ये रियलाइज हुआ कि मैंने सच में गलतियां कर दी बहुत ज़्यादा, कि मैं अगर अपनी तकलीफ को साइड पे रख के तो दुनिया की तकलीफ बांटता तो मेरी तो आखिरत भी बहुत अच्छी थी और दुनिया में भी मेरा एक नाम हो जाता। तो दोस्तों, इसमें फिर उन्होंने बोला है कि क्या इन सब के बावजूद मुझे माफ़ी मिल सकती है, क्योंकि उनको अपने गुनाहों पे वो कह लें शर्मिंदगी और रियलाइज हो गया था कि मैंने सच में गलत किया है। तो कृष्णा जी ने बोला कि ये आप समझ लीजिए कि आपकी माफ़ी ही है कि हमें जंग के असूलों के खिलाफ जाके आपको मारना पड़ रहा है, तो समझ लें आपकी ये माफ़ी है। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी जिसमें उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती के साथ उनको करण जी को समझाया कि ज़िंदगी ऐसे नहीं, ज़िंदगी ऐसे गुजारी जाती है, बुराई को नहीं अच्छाई के साथ गुजारी जाती है। आज हम अच्छा करेंगे, कल लोग हमारे साथ अच्छा करेंगे, कल हम गुजर भी जाते हैं तो लोग हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।